हेलो एवरी वन, माई नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर. वेल गाइज, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 15th March 2019 फ्राइडे. देखते हैं किस बारे में है गाइज. गाइज यहाँ लिखा है चाइनाज ब्लॉक. अब चाइनाज ब्लॉक का मतलब है कि चाइना ने क्या ब्लॉक कर दिया है उस बारे में है. तो देखिए, इट्स डिसीजन ऑन मसूद अजहर इज शॉकिंग. देखिए, इसका जो फैसला है मसूद अजहर पर, यानी कि जो सीन ये चल रहा है कि भाई मसूद अजहर को जो है वो बैन कर दिया जाए, तो उस बारे में ही चाइना जो है वो नहीं चाह रही है. यानी कि सरकार जो है चाह रही थी कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डाला जाए, और सारे लोग मिलकर कोशिश कर रहे थे, बट चाइना जो है वो लिस्टिंग नहीं होने दे रहा, उस लिस्टिंग को ब्लॉक कर रहा है. तो उस बारे में है. तो लिखा है कि इट्स डिसीजन ऑन मसूद अजहर इज शॉकिंग. इसका जो ये डिसीजन आया है मसूद अजहर पर बहुत ही शॉकिंग है. बट इंडिया मस्ट कीप अप परसुएसिव डिप्लोमेसी. अब देखिए, इंडिया, और यहाँ मस्ट हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि अवश्य करना चाहिए. क्या करना चाहिए इंडिया को? कीप अप परसुएसिव डिप्लोमेसी, यानी कि रखना चाहिए एक समझौते वाला डिप्लोमेसी. परसुएसिव मतलब क्या होता है? कि समझाने, बुझाने, मनाने वाला, परसुएड करने वाला जो कूटनीति है वो रखना चाहिए. चाइनाज डिसीजन टू ब्लॉक द लिस्टिंग ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज बोथ. देखिए, इज, ये इज हमारा वर्ब है, और ये जो डिसीजन है ये हमारा सब्जेक्ट है. और उसके बाद इतने सारे जो सेंटेंस है वो कोई टू से जुड़ा होगा, तो कोई एज से जुड़ा है, तो कोई एट से जुड़ा है. और इसी को जो बिगनर्स है वो बहुत बड़ा सेंटेंस मान करके डर जाते हैं. तो इसे तोड़कर देखते हैं दोस्तों. चाइनाज डिसीजन, यानी कि चाइना का जो डिसीजन है टू ब्लॉक द लिस्टिंग ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, यानी कि ये जो मसूद अजहर जो है, जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है, इसकी जो लिस्टिंग है कि भाई इसको उस लिस्ट में डाल दो कि ये जो है ये ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डाल दो. तो उस लिस्ट में डालने पर चाइना अग्री नहीं, तो उसका डिसीजन आया है कि भाई इसको हम ब्लॉक करते हैं, हम इसे नहीं मानते. तो ये जो डिसीजन है, और ये कहाँ पर हुआ है? एट से जुड़ा है, कि एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. और यहाँ ये जो है ना कि एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, मतलब उसे ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डालना है, उस पर चाइना ने ब्लॉक किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में. तो ये जो चीज़ जो है, ये जो इसका फैसला है, डिसीजन है, इज बोथ, ये दोनों ही चीज़ को दिखा रहा है. और सेट बैक टू इंडियाज पोस्ट पुलवामा डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी. सेटबैक का मतलब है असफलता. तो ये एक नाकामयाबी को दिखा रहा है इंडिया के पुलवामा के बाद, जो पुलवामा में जो हादसा हुआ है उसमें पोस्ट लगाया ना, तो पोस्ट पुलवामा का मतलब है पुलवामा के बाद जो कूटनीति स्ट्रेटजी अपनाई थी, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अपनाई थी, उसके असफलता को भी दिखाता है ये डिसीजन. एंड अ रियलिटी चेक ऑन इट्स टाइज, और इस रियलिटी को भी दिखाता है कि आप एकदम रियलिटी चेक है ये, कि इनका जो बंधन है विद चाइना एट प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में चाइना के साथ इनके जो संबंध है वो कैसा है, उसकी भी रियलिटी चेक को दिखाता है. तो इससे अब तक ये क्लियर हुआ है कि चाइना का एक फैसला आया है, डिसीजन आया है. क्या फैसला आया है? कि जो मसूद अजहर है इसको ग्लोबलिस्ट, जो ग्लोबल टेररिस्ट की जो लिस्ट में डालना है, उससे चाइना सहमत नहीं है, उसने ब्लॉक कर दिया है. और ये डिसीजन दो चीज़ों को दिखाता है. एक, कि भाई ये बिल्कुल जो असफलता मिली है पुलवामा के बाद, जो इन्होंने डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अपनाया था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, इसमें असफलता मिली है. साथ ही साथ चाइना के साथ जो प्रेजेंट में रिलेशन है उसका भी एक रियलिटी चेक देखने को मिल गया है कि भाई कैसा रिलेशन है आपका. बस आगे देख. After the February 14th attack claimed by जैसे मोहम्मद, अब यहाँ पर देखिए यहाँ claimed by भी लिखा है, तो यानी कि 14 फरवरी के अटैक के बाद, after लिखा है ना, after the February 14th attack, इस अटैक के बाद, और यहाँ अटैक के बाद एक कॉमा करके claimed by जैसे मोहम्मद है, यानी कि ये अपोजिशन है, और ये बता रहा है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और ये पास्ट पार्टिसिपल है claimed by. क्लेम्ड बाई का मतलब है कि दावा किया गया जैसे मोहम्मद के द्वारा कि यह अटैक उसने करवाया था. अब लिखा है कि द गवर्नमेंट हैड मेड द लिस्टिंग ऑफ अजहर अ फोकस इन इट्स डिप्लोमेटिक एफर्ट्स. तो इसके बाद, इस अटैक के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने बना लिया था, हैड मेड, पास्ट परफेक्ट है,
गवर्नमेंट हैड मेड द लिस्टिंग ऑफ अजहर, कि अजहर को हम इस ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डालेंगे, इसको उसने एक फोकस बना लिया था कि यही मेरा फोकस है कि इसको इस लिस्ट में तो डलवाना है। इन इट्स डिप्लोमैटिक एफर्ट, इसके जो कूटनीतिक जितने भी प्रयास कर रहा था उसमें जो सबसे फोकस पॉइंट था कि हम अजहर को उस लिस्ट में डलवाएंगे, ये बात कही गई। इट रीच्ड आउट टू सेवरल गवर्नमेंट्स, रीच आउट का मतलब है कि आप हर जगह पहुंचते हैं, आप कम्युनिकेशन के लिए बात करते हैं, आप किसी से, किसी ग्रुप से, किसी व्यक्ति से, तो रीच आउट कहते हैं उसे। तो ये इट का मतलब इंडिया, इंडिया जो है रीच्ड आउट टू सेवरल गवर्नमेंट्स, कई गवर्नमेंट के पास गए, उससे बातचीत की, एंड शेयर्ड अ डोसियर ऑन अजहर, और जो डोसियर है, जो फाइल है, जो अजहर के ऊपर जो उसने पूरा एक सबूत फाइल ब्यौरा जो बनाया होगा, वो डोसियर को शेयर किया विद ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के हर एक मेंबर से। यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ हु करके दिया हुआ है, तो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसके बारे में बताएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल कौन है या वो मेंबर्स कौन है, सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के बारे में बता रहे हो कौन है। तो चूंकि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो हु आर ऑल मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स हैं ऑफ द 1267 ISIL, ये कोई चीज़ है, इसके सदस्य हैं, एंड अलकायदा सैंक्शन कमेटी, और जो अलकायदा सैंक्शन, जो सैंक्शन का मतलब है जो प्रतिबंध लगाने का जो है, जो कमेटी है कि उस पर प्रतिबंध लगाती है, तो इन सब मेंबर्स से मतलब उन्होंने वो रीच आउट किया और उन्होंने डोसियर को शेयर किया। अ स्पेशल एफर्ट वॉज मेड विद बीजिंग, अब देखिए वॉज मेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि एक बहुत ही जो स्पेशल प्रयास है, खास जो प्रयास है वो किया गया बीजिंग के साथ, यानी कि चीन के साथ, विच हैज़ ब्लॉक्ड, अब यहाँ विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि विच जो है वो इसके बारे में बता रहा है, चीन के बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो विच हैज़ ब्लॉक्ड, जिसने ब्लॉक कर दिया है द अजहर लिस्टिंग इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में भी जिसने अजहर को उस ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में नहीं आने दिया, इस चीन की बात कही जा रही है, पास्ट में भी इसने ब्लॉक किया है, इंक्लूडिंग जस्ट आफ्टर द 2008 मुंबई अटैक। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उस चीज़ को भी लेकर हम बात करें कि 2008 के मतलब जस्ट आफ्टर जो है 2008 के मुंबई अटैक के बाद भी कुछ ऐसा लिस्टिंग की बात हुई थी, वहाँ भी चाइना ने मना कर दिया, फ्रॉम 2016 to 18 भी वो ऐसे ही करता रहा है। इंडियाज़ प्रपोजल, इंडिया का जो प्रपोजल है टू लिस्ट अजहर, कि अजहर को हम उस लिस्ट में डाल देंगे, उस ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डालेंगे, विद एविडेंस ऑफ जैसे मोहम्मद इन्वॉल्वमेंट, और उस सबूत के साथ, किस सबूत के साथ, एविडेंस मतलब सबूत, कि जैसे मोहम्मद का एक इन्वॉल्वमेंट है, उस सबूत के साथ, किस में इन्वॉल्वमेंट है, इन द पठानकोट एयरबेस अटैक, इस अटैक में, पठानकोट के अटैक में उसका इन्वॉल्वमेंट है, वर ऑल्सो फॉइल्ड बाई चाइना। तो ये सारे जो सबूत है इसको भी फॉइल कर दिया गया चाइना के द्वारा, फॉइल का मतलब कि भी विफल कर दिया गया, कुछ भी नहीं माना गया चाइना के द्वारा। विच प्लेस्ड होल्ड्स ऑन द लिस्टिंग, जिसने, चाइना के बारे में बात कही जा रही है कि विच, जिसने रिलेटिव प्रोनाउन है, कि जिसने एक होल्ड बना करके रख दिया है उसके लिस्टिंग पर, मतलब कि अभी रोक दिया है कि भाई अभी आप उसको ग्लोबल जो टेररिस्ट वाला जो लिस्ट है उसमें मत डालो, होल्ड कर दिया, एंड देन वीटोड इट, और फिर वीटो भी कर दिया। वीटो का वैसे मतलब क्या, अस्वीकार करना, रोक लगा देना, मतलब वही ब्लॉक कर दिया है कि हमारी तरफ से हम इसको ब्लॉक करते हैं कि अभी वो लिस्टिंग में नहीं आ सकता है। तो अब तक तो यही बात कही गई कि जब जब ट्राई किया गया है, सारा 2008, 16, 18 जब जब ट्राई किया गया है तब तब चाइना ने इसको नहीं होने दिया है। क्लियर है? द वीटोज, ये वीटो पावर होती है, कुछ देश उनके पास ये वीटो पावर, उसके बारे में बात की जा रही है कि जो वीटो है कि आप रोक लगा सकते हो कि नहीं भाई हम नहीं मानते, तो ये जो वीटोज है केम डिस्पाइट द फैक्ट दैट द जैसे मोहम्मद इज बैंड, मतलब ये जो वीटो आया उस सत्य के बावजूद आया, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, उस तथ्य के बावजूद आया दैट जैसे मोहम्मद जो है वो बैंड है, एंड इन द UNSC लिस्टिंग इट इज़ नोटेड, ये जो UNSC जो है इसके लिस्टिंग में, मतलब इसके उस लिस्ट के अंदर ये बिल्कुल नोटेड है, ये भी दर्शाया हुआ है दैट अजहर एज इट्स लीडर एंड फाउंडर, जो अजहर जो है एक लीडर और फाउंडर के रूप में एक्सेप्टेड फंड्स, उसने फंड एक्सेप्ट किया किससे, फ्रॉम ओसामा बिन लादेन, इससे फंड एक्सेप्ट किया। तो ये सब जानते हुए भी चाइना जो है इसको उस लिस्ट में शामिल नहीं होने देती।
डिस्पाइट द फैक्ट दैट, मैं आपको सिखा देता हूँ गाइस, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस न्यूज़पेपर में आपको डिस्पाइट बहुत मिलेगा। डिस्पाइट का मतलब है कि किसी चीज के बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि डिस्पाइट, अगर हैव है तो आपको हैविंग करना होगा, गो है तो गोइंग, बी है तो बीइंग। डिस्पाइट हैविंग अ कार, इसका मतलब कार होने के बावजूद ही goes to office by bus, यानी कि कार होने के बावजूद वो बस से ऑफिस जाता है। तो डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। आपने इंस्पाइट ऑफ पढ़ा होगा, तो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों एक है, लेकिन कहीं पर आपको ऐसा दिखाई देगा कि डिस्पाइट भी लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा द फैक्ट दैट। अब इसका क्या मतलब है? जब भी द फैक्ट दैट आएगा तो इस दैट के बाद फुल आज़ादी है कि आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं पूरा का पूरा। वो सेंटेंस कैसा होगा? उसके अंदर पूरा एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ये द फैक्ट लगाने का एक ही मतलब है कि इसके बाद हम एक और सेंटेंस बोलने के लिए आज़ाद होते हैं। खाली डिस्पाइट के बाद हमें बस एक छोटा सा बोलना होता है, उसमें सब्जेक्ट हम नहीं दिखाएंगे, बस ऐसे होगा डिस्पाइट हैविंग अ ब्यूटीफुल वाइफ, डिस्पाइट गोइंग देयर, डिस्पाइट हैवी रेन, ऐसे बोलेंगे। और डिस्पाइट द फैक्ट दैट में हम पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? अगर ऐसे बोलूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी हैज इंसल्टेड मी, अब देखिए डिस्पाइट द फैक्ट और दैट बोलने के बाद मैंने क्या किया, पूरा एक सेंटेंस बोला, शी हैज इंसल्टेड मी, यानी कि इस सच्चाई के बावजूद कि उसने मेरी इंसल्ट की है, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। समझ रहे? और डिस्पाइट क्या दिखाता है? कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि एक तरफ कुछ और बात कही जाएगी, दूसरी तरफ ही, कि इसके बावजूद ऐसा है। और देख सकते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट, जैसे आप द फैक्ट दैट बोलेंगे तो एक सेंटेंस बोली, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज अ थीप, अब देख रहे पूरा एक सेंटेंस है कि इस सच्चाई के बावजूद कि वो एक चोर है, आई मीट हिम डेली, मैं उसे रोज मिलता हूँ, आई टॉक टू हिम डेली, आई प्ले विद हिम, कुछ भी आप कह सकते हैं। समझ में आ रहा है डिस्पाइट द फैक्ट दैट? आगे देखते हैं। चाइना एज द वन कंट्री दैट हैज रिफ्यूज्ड टू अलाउ अजहर्स नेम ऑन द लिस्ट, पहले देखते हैं कि कहाँ गया। चाइना एज द वन कंट्री, जैसा कि एकमात्र वो कंट्री है, दैट हैज रिफ्यूज, जिसने इनकार कर दिया है टू अलाउ अजहर्स नेम, कि अजहर के नाम को अलाउ किया जाए ऑन द लिस्ट, यानी कि उस लिस्ट में अजहर के नाम को रखा जाए, इज वेल अवेयर। अभी इज किसके लिए आया है? ये चाइना के लिए आया है। चाइना के बाद यहाँ कॉमा दे के एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया करते, यही न्यूज़पेपर का स्टाइल है और लोगों को बहुत बड़ा लगता है सेंटेंस। कभी वो हु से जुड़ा होगा, कभी विच से जुड़ा होगा, मतलब पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, और क्या स्टाइल है, बस यही स्टाइल है। और वोकैबुलरी आ जाए और आपको इस तरह के सेंटेंसेज आ जाए, आप खुद ही इसको समझ लेंगे गाइस। फिर से देखते हैं, चाइना और ये कॉमा है, और तो ये जो चाइना सब्जेक्ट है तो ये इज इसका वर्ब है। तो समझ में आ रहा है कि चाइना एज द वन कंट्री, एकमात्र कंट्री है, दैट हैज रिफ्यूज टू अलाउ अजहर्स नेम, जिसने इनकार कर दिया अजहर के नाम को अलाउ करने में उस लिस्ट में, इज वेल अवेयर ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट हिम, वो बिल्कुल अच्छी तरह वो अवेयर है, उसे पता है कि उसके खिलाफ क्या एविडेंस है अजहर के खिलाफ। वो जानते हुए भी वो नहीं अलाउ करता है कि मतलब लिस्ट में जाए, वो ब्लॉक कर देता है। बट इज नॉट रेडी टू विदड्रॉ इट्स ऑब्जेक्शन, तो ये जानते हुए भी वो रेडी नहीं है, तैयार नहीं है टू विदड्रॉ इट्स ऑब्जेक्शन, उसने जो ऑब्जेक्शंस लगाए हैं उसे विदड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है, उसे वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। बस वो ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है कि नहीं जी, आप अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट वाले लिस्ट में नहीं डालेंगे, ये बात कही गई। इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल साफ है, दैट डिस्पाइट इंडिया चाइना रिलेशंस इम्प्रूविंग आफ्टर द वुहान समिट इन अप्रैल 2018, देखिए डिस्पाइट का भी यूज़ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, ये क्लियर है कि दैट डिस्पाइट के बावजूद इंडिया चाइना रिलेशन, यानी कि इंडिया चाइना के रिलेशन के बावजूद
अब ये कैसा रिलेशन है उसको दिखाया जा रहा है। यहाँ से प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है, आईएनजी है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इम्प्रूविंग आफ्टर द वुमेन, यानी कि ऐसा रिलेशन जो कि इम्प्रूव हो रहा है, देख रहे हैं, इसे बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। तो इम्प्रूव हो रहा है आफ्टर द वुहान समिट, वुहान समिट जो हुआ था 2018 में, तो वो रिलेशन इम्प्रूव हो रहा है। तो उसके बावजूद चाइना इज अनविलिंग टू अलाइन इट्सेल्फ, ये इतना रिलेशन के बावजूद जो चाइना है वो अनविलिंग हो रहा है, मतलब उसकी इच्छा नहीं है टू अलाइन इट्सेल्फ, खुद को अलाइन रखे, खुद को साथ साथ लेकर चले विद इंडिया, इंडिया के साथ साथ चले ऑन इट्स कंसर्न्स ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि जो चिंताएं हैं इसकी, इंडिया की जो चिंताएं हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, कि बॉर्डर्स के उधर से जो टेररिस्ट आते हैं इमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से इमिनेट होते हैं यानी कि उत्पन्न होते हैं। तो बस इतनी सी बात कही गई है कि इंडिया चाइना का जो रिलेशन है जो अप्रैल 2018 से बना है, इसके बावजूद जो है वो चाइना की इच्छा नहीं है कि वो एक साथ चले इस मामले पे, टेररिज्म के मामले पे। ये अनविलिंग टू मैं आपको सिखाता हूँ गाइस। गाइस सबसे पहले देखिए विलिंग टू, विलिंग टू का मतलब है कि आप कुछ करने की इच्छा है, इच्छा को दिखाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में लिखूं कि आई, तो साफ साफ दिख रहा है आपको, आई एम विलिंग टू प्ले विद हिम, इसका मतलब है कि मेरी इच्छा हो रही है उसके साथ खेलने की। आई एम विलिंग टू, मेरी इच्छा हो रही है, मेरी इच्छा है ही उसके साथ खेलने की, ओके। और इसी को अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा तो अनविलिंग हो जाएगा, तो अनविलिंग टू। जैसे कि आई एम अनविलिंग टू प्ले विद हिम, यानी कि मेरी इच्छा नहीं हो रही। तो आप चाहे तो आई एम नॉट विलिंग भी कह सकते हैं, अगर नॉट नहीं बोलना है तो विल से पहले आप अन लगा देंगे तो नॉट की ही फीलिंग देगा कि आई एम अनविलिंग टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने में इच्छा नहीं हो रही है। तो उसी प्रकार से उसने लिखा है कि चाइना इज अनविलिंग टू, यानी कि चाइना की इच्छा नहीं हो रही, वो नहीं इंटरेस्टेड है। चाइनाज स्टैंड इज रिग्रेटेबल एंड कंडेमेबल, यानी कि चाइना का जो ये जो रवैया है, जो स्टैंड वो ले रहा है, ये भी बहुत रिग्रेट के लायक है और एकदम मतलब निंदा करने की योग्य, कंडेमेबल मतलब कि निंदा करने की योग्य है, रिग्रेट वाला जो फीलिंग देता है ये सही नहीं है। एंड इट हैज़ बीन कंसिस्टेंट ऑन दिस इशू, और इस इशू पे बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है, शुरू से ही ऐसा ही रहा है। देख रहे हैज़ बीन कंसिस्टेंट, यानी कि ऐसा ही रहा है शुरू से, हैज़ बीन लगते ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों से कोई काम होता आ रहा है, उस चीज़ को दिखाता है। ऐसे कि शी हैज़ बीन पोलाइट, वो पोलाइट रही है, तो उसी तरह से हैज़ बीन कंसिस्टेंट ऑन दिस इशू। न्यू दिल्ली मस्ट नाउ कंसीडर, यानी कि जो न्यू दिल्ली यानी कि जो इंडिया है उसे अवश्य ही अभी कंसीडर कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, वेदर इट विशेज टू एक्सेप्ट, कि क्या ये ऐसी इच्छा करता है टू एक्सेप्ट दिस एज अ फेट अकम्पली, कि इसको फेट अकम्पली की तरह स्वीकार करे। फेट अकम्पली का मतलब कि जो होना था हो गया, अब इसको सुधारा नहीं जा सकता है, तो ऐसा ही था, विधि का विधान हो गया, तो इसको फेट अकम्पली समझे। और कन्फ्रंट बीजिंग, और सामना करे चीन का, टू ट्राई टू परसुएड, उसे कोशिश करे मनाने के लिए, इट मतलब चाइना के बारे में कही जा रही है, इट टू चेंज इट्स स्टैंड बाय मीन्स ऑफ इंसेंटिव, तो उसको कोशिश करे, मनाने की कोशिश करे कि वो चेंज कर दे अपने इस रवैया को, स्टैंड को, बाय मीन्स ऑफ, किस मामले से, किस तरीके से चेंज करे, बाय इंसेंटिव्स और कोअर्शन, या तो कुछ इंसेंटिव्स, कोई अच्छा कुछ मुनाफा टाइप काम किया जाए उससे, या कोअर्शन यानी कि बलपूर्वक मजबूर मतलब मजबूर करके किया जाए, ये बात कही गई। दिस इज अ चैलेंज, ये एक चैलेंज है, एज एनी काइंड ऑफ कंसर्टेड इंटरनेशनल प्रेशर, ये एक ऐसा चैलेंज है कि जैसे कि किसी भी प्रकार का कंसर्टेड इंटरनेशनल प्रेशर, कंसर्टेड मतलब मिला जुला, जो सम्मिलित जो एक इंटरनेशनल प्रेशर है फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज से जो प्रेशर आ रहा है, इन दिस रिगार्ड, इस मामले में, हैज़ इन द पास्ट में ओनली सर्व टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, तो जितने भी ये जो कंसर्टेड जो इंटरनेशनल प्रेशर आए हैं वेस्टर्न कल्चर से, हैज़ सर्व्ड टू बी काउंटर प्रोडक्टिव,
ये बिल्कुल कैसा साबित हुआ है, काउंटर प्रोडक्टिव, यानी कि प्रोडक्टिव नहीं रहा है, लेकिन अच्छा नहीं रहा है कि कोई रिजल्ट नहीं देने वाला रहा है, बस ऐसे ही ये प्रेशर जो सपोर्ट है वो ऐसे ही है। आगे देखते हैं, इट इज ऑल्सो अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है। इट इज ऑल्सो अनलाइकली, ये भी संभव नहीं लग रहा है, दैट द सजेशन बींग ऑफर्ड, कि जो सजेशंस जो है बींग ऑफर्ड वो दिए जा रहे हैं, सजेशन तो दिए जा रहे हैं, बींग का मतलब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पैसिव होता है ना, फूड इज बींग कुक्ड, खाना पकाया जा रहा है, उसी तरीके से सजेशंस आर बींग ऑफर्ड, यानी कि जो सजेशंस है उसे दिए जा रहे हैं, तो आर नहीं लगाया है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में डील किया है। बींग ऑफर्ड बाई सम पोलिटिकल ग्रुप्स, तो कुछ सजेशन दिए जा रहे हैं पोलिटिकल ग्रुप के द्वारा, क्या करने का, ऑफ कटिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, यानी कि चाइना से जो जो भी इम्पोर्ट होता है उसे आप कम करो, इम्पोर्ट मतलब कोई चीज़ मत मंगाओ, एंड अदर प्यूनिटिव एक्शंस, प्यूनिटिव का मतलब होता है कि आप मतलब दंड से रिलेटेड है, दंडनात्मक है, तो और भी जो प्यूनिटिव एक्शंस है वो आप कीजिए, ऐसा सजेशन आ रहा है। विल यील्ड मच, और ये जो आप करेंगे तो ये ज़्यादा, तो यहाँ देख रहे हैं कि इट इज़ अनलाइकली, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि विल यील्ड मच, यानी कि ये चीज़ें कुछ मतलब प्रस्तुत करेंगी, यील्ड का मतलब है सामने रखना, पेश करना, तो अब ये पूरा आप मतलब समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल अनलाइकली है कि इतने जो सजेशन आ रहे हैं कि आप इम्पोर्ट मत करो या इस तरह से जो प्यूनिटिव एक्शंस लो, तो ये संभव नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा इससे कुछ निकल कर सामने आएगा, कुछ प्रस्तुत होगा, ये बात कही गई। द गवर्नमेंट मे बी मोर सक्सेसफुल, गवर्नमेंट जो है वो और भी सक्सेसफुल हो सकता है, कब, इफ़ इट आइडेंटिफाइज द इंसेंटिव्स इट कैन ऑफर चाइना, कि जब ये समझ पाए कि ऐसा कौन सा इंसेंटिव है जो चाइना को दिया जाए, ऐसा कौन सा लाभ है जो दिया जाए इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में, टू रिव्यू इट्स पोजिशन, इसके पोजिशन को रिव्यू करने के लिए, वाइल सम ऑफ दोज, जबकि उनमें से कुछ इंसेंटिव जो हैं वुड बी बायलैटरल, यानी कि वो द्विपक्षीय होंगे, बायलैटरल होंगे, दोनों तरफ वाले होंगे, फिर भी द चाइनीज स्पोक्स पर्सन हिंट, चाइनीज स्पोक पर्सन का जो हिंट है, जो इशारा है, दैट डायलॉग बिटवीन न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद, कि नई दिल्ली यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत है, एंड इवन पॉसिबल ट्रायंगुलर टॉक्स, और अगर हो सके तो ट्रायंगुलर टॉक हो, तीनों लोग मिलकर बात करें, इंक्लूडिंग बीजिंग, यानी कि चाइना भी हो जाए, इंडिया भी हो जाए, पाकिस्तान भी हो जाए, इनको मिलाकर एक टॉक हो, एक डायलॉग हो, बातचीत हो, इज इंडिकेटिव ऑफ चाइनाज थिंकिंग, यही चाइना की थिंकिंग का एक इंडिकेटिव है, एक संकेत है कि अब ऐसा करें। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो नॉट लूज साइट ऑफ बिगर पिक्चर, जो गवर्नमेंट है उसको भी मस्ट नॉट, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कि उसे भी एक इस बड़े पिक्चर के दृश्य को नहीं मतलब इग्नोर करना चाहिए, इसे लूज नहीं करना चाहिए, कि भाई हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो जाए। दैट द UNSC कैन नॉट एनफोर्स इट्स ओन लिस्टिंग, अब ये बात है कि जो UNSC जो है कैन नॉट एनफोर्स, ये खुद लागू नहीं कर सकते अपने लिस्टिंग को भाई, एंड अदर लीडर्स हु हैव बीन, और जो दूसरे लीडर्स है हु हैव बीन सैंक्शन, जिन्हें सैंक्शन किया गया है, जिन्हें प्रतिबंध लगाया गया है इन द पास्ट, रिमेन फ्री, वो भी फ्री हैं एंड अनइंकम्बर्ड, और भार मुक्त हैं। वाइल लिस्टिंग अजहर एट द UNSC इज एन अनफिनिश्ड टास्क, जबकि लिस्ट मतलब अजहर को लिस्ट करना, वाइल लिस्टिंग अजहर एट द UNSC, इसमें UNSC में इसको लिस्ट करना इज एन अनफिनिश्ड टास्क, एक ऐसा टास्क है जो कि अनफिनिश्ड है, अब तक पूरा नहीं हुआ है। द लार्जर इशू रिमेन्स, अभी बड़े बड़े जो इशू है वो बचे हुए हैं। टू इंश्योर दैट पाकिस्तान टेक्स सब्सटेंटिव एक्शन अगेंस्ट अजहर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो पाकिस्तान है वो ले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक्शन है अजहर के खिलाफ। द जैसे मोहम्मद एंड अदर टेरर ग्रुप्स दैट आर थ्रेटनिंग इंडिया, और जबकि जो जैसे मोहम्मद है और अदर जो टेरर ग्रुप्स है, दैट आर, ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, कि वो लोग इंडिया को थ्रेटन करते आ रहे हैं, यानी कि यहाँ तक समझ में आ रहा है कि वाइल लिस्टिंग अजहर एट द UNSC इज एन अनफिनिश्ड टास्क, हालांकि ये बिल्कुल एक अनफिनिश्ड टास्क है, फिर भी द लार्जर इशू बचा हुआ है, क्या इशू बचा है, कि भाई ये सुनिश्चित हो कि जो पाकिस्तान है वो एक अच्छा एक्शन ले अजहर के खिलाफ, और जैसे मोहम्मद एंड अदर मतलब कौन कौन है, जैसे मोहम्मद है
या जो और भी जो टेरर ग्रुप है जो कि इंडिया को थ्रेटन कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो है एक्शन ले पाकिस्तान, ये सुनिश्चित करना बाकी है। चाइना विद इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक लेवरेज विद पाकिस्तान, चाइना जो है जो अपने इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटजिक जो इसका प्रयास है उसके साथ पाकिस्तान के साथ है, मे बी बेटर प्लेस टू हेल्प इन दिस मैटर। तो हो सकता है कि एक इस मैटर में एक अच्छा प्लेसमेंट बना के एक अच्छा हेल्प करे, बेटर प्लेस्ड रहे। तो कुल मिलाकर यही बात है कि चाइना खिलाफ है इस चीज़ की कि उसको एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।